नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। 6 बजे की 6 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। एमपी में कई जगहों से बर्बादी की खबरें हैं, विस्तार से आपको दिखाएंगे कहां लगी है आग, कितना हुआ है नुकसान। बात होर्डिंग की भी करेंगे। मुंबई की घटना के बाद छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने क्या सबक लिया, इससे जुड़ी हुई खबर आपको दिखाएंगे। साथ ही रतलाम में शराब की अवैध खेप पकड़ी गई है, शराब छुपाने के लिए अनोखा तरीका क्या अपनाया गया, पूरी खबर देखिएगा आप। इसके अलावा बात होगी जमानत के लिए कोर्ट की अनोखी शर्त की। साथ ही बालाघाट के एक बुजुर्ग से आपको मिलवाएंगे जो जख्म का अनोखा इलाज करते हैं। साथ ही पुलिस की एक पहल के बारे में भी आपको बताएंगे जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए है। क्या है वो पहल, जरूर देखिएगा आगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आग लगी है कहां पर। इंदौर से राजस्थान के जोधपुर जा रही एक यात्री बस नीमच के पास हादसे का शिकार हो गई। नीमच से करीब 12 किलोमीटर दूर महू नसीराबाद हाईवे पर चलती बस में आग लग गई। हादसा हकिया खाल के पास हुआ। बस में आग लगते ही ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे खड़ा किया और आनंद पानन में सभी यात्रियों को बस से नीचे उतारा गया। देखते ही देखते आग ने बस को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से बस में रखा यात्रियों का सारा सामान बस के साथ जलकर राख हो गया। तस्वीरें नीमच की आप देख रहे हैं। उधर सीहोर के खजुरिया कला गांव में गैस सिलेंडर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। घर में रहने वाले लोग सुरक्षित निकल गए, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। बाद में फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। निवाड़ी में पार्किंग में खड़ी कार में आग लग गई। कार के इंजन में आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की और आग पर काबू पा लिया। तरीचर कला का ये मामला है। निवाड़ी में देखिए किस तरह से इस आग पर काबू पाने के लिए वहां पर लोग इकट्ठा हो गए, रेत फेंकी जहां पर आग लगी हुई थी और इस तरह से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। उधर भिंड के प्रिंटिंग प्रेस में भी आग लग गई। आरोप है कि सूचना के एक घंटे बाद फायर फाइटर्स की टीम यहां पहुंची, आग पर काबू पाया गया। कोतवाली थाना इलाके महावीरगंज का ये मामला है। तो भिंड का ये प्रिंटिंग प्रेस जहां पर आग लग गई, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन एक घंटे बाद यहां पर फायर फाइटर्स की टीम पहुंचती है और आग की लपटों पर काबू पाया जाता है। और अब बात खंडवा की, जहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो खंडवा की तस्वीरें, जहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई और यहां पर आग लगा देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और आग पर काबू पाती है। तो इस तरह से आज दिन भर ही मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। खोल दो कहीं गाड़ी में आग लग गई, कहीं ट्रांसफार्मर में आग लग गई, कहीं प्रिंटिंग प्रेस में आग लगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं खंडवा के, जहां पर ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इससे पहले हमने आपको दिखाया था प्रिंटिंग प्रेस में आग लगी, उससे पहले पार्किंग में खड़ी गाड़ी में आग लग गई थी। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, गर्मियों में जब जैसे जैसे पारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा देखने को मिलता है।
बिल्कुल अपर्णा, ठीक कहा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सूरज का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के अगर लिहाज से देखूं तो मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में पारा 40 के पार हो गया। और एक्सपर्ट बताते हैं कि सबसे अधिक जो है इस मौसम में आगजनी घटनाएं होती तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण शॉर्ट सर्किट होता है, चाहे वह निजी घरों की बात हो, फैक्ट्रियों की बात हो। यहां पर सबसे अधिक जो आग लगने का कारण है उसके पीछे शॉर्ट सर्किट बताया जाता है, क्योंकि देखिये लगातार हम विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं और ऐसे में वो हीट पकड़ लेते हैं और हीट पकड़ने के बाद वो धीरे धीरे चिंगारी के तौर पर आग भड़क जाती है। और जिस तरीके से चाहे वह चाहे भिंड के प्रिंटिंग प्रेस की बात हो या फिर सीहोर के इलाके में जिस तरीके से आग लगने की बात हो या अन्य इलाकों की, देखिए इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिससे इलेक्ट्रिक जो खासकर व्हीकल्स की अगर मैं बात करूं तो चाहे वह बस में आग हो, स्कूटी में हो या फोर व्हीलर में जिस तरीके से आग जो लगती है उसका कारण ये होता है कि लगे यदि आप लगातार धूप में ड्राइव करते रहते हैं तो जो उपकरण है वो धीरे धीरे करके गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के चलते उसमें घर्षण होने के चलते चिंगारियां उठने लगती है और धू-धू करके जो गाड़ियां हैं वो जलती नजर आती है। देखिए लगातार हम अलग अलग हिस्सों के मध्य प्रदेश से देख रहे हैं किस तरह की खबरें आ रही हैं कि पार्किंग में यदि आप धूप में अपनी गाड़ी खड़ी करते हो, पेट्रोल गाड़ी है या इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उस दौरान आग लगने की आशंका बहुत अधिक हो जाती है। तो एहतियात बहुत ज्यादा बरतने की आवश्यकता है कि किसी भी उपकरण को बहुत देर तक न चला जाए, क्योंकि जैसे उपकरण गर्म होता है उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए बंद किया जाए, जब वो ठंडा हो जाए उसको फिर से शुरू किया जाए। इसी तरह गाड़ियों को लेकर भी हिदायत दी जाती है कि कोशिश करें कि गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव पे दौरान न चलाएं। यदि आप लंबी गाड़ी चला रहे हैं तो समय समय पर उसके ऊपर पानी आदि डालकर उसको ठंडा करते रहें और कोशिश करें कि जो फोर व्हीलर या टू व्हीलर है उसको छांव वाले स्थान पर रखें। यदि आप खुले स्थान पर रखते हैं तो आग लगने की जो संभावना है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। और जिस तरीके से अभी न केवल घरों में फैक्ट्रियों में बल्कि अब जंगल में भी आग लगने की कई इलाकों से खबरें भी आ रही हैं, तो जंगल की आग को भी बचाने के लिए तमाम तरह के इंतजाम बढ़ रहा है। आग लगने की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, लेकिन तमाम एक्सपर्ट जो सुझाव देते हैं सुझावों पर भी उन सुझावों को मानने की भी आवश्यकता जिक्र आपने किया। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वही मुंबई में पिछले दिनों होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इस घटना से देश के ज्यादातर नगर निगमों ने सबक नहीं लिया। दुर्ग में होर्डिंग का फ्लैक्स बाइक चला रहे युवक पर अचानक आ गिरा। हालांकि युवक की जान तो बच गई लेकिन वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। राजेंद्र पार्क के पास की घटना है। तेज आंधी की वजह से होर्डिंग का फ्लैक्स उस पर देखिए किस तरह से गिर पड़ता है। अचानक वो सामने से आ रहा होता है और उड़ता हुआ आता है ये फ्लैक्स जो उसके सामने बाइक के ऊपर उस पर गिर पड़ता है। देखिए एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि युवक की जान बच गई लेकिन वो घायल हो गया है, उसे गंभीर चोटें आई। तो इलीगल होर्डिंग्स पर अभी भी नगर निगम जाग नहीं रहा है, कोई कार्रवाई करता यहां पर नजर नहीं आया है। देखिए किस तरह से हवा में उड़ता हुआ ये फ्लैक्स आता है। उधर बिलासपुर में अवैध होर्डिंग्स पर नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। होर्डिंग के मालिक पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यही नहीं, अतिक्रमण दस्ते ने बिना इजाजत के लगाए गए इन होर्डिंग्स को हटा भी दिया है। तो यहां बिलासपुर में एक्शन में आया नगर निगम, न सिर्फ फाइन लगाया है बल्कि इन होर्डिंग्स को भी हटा दिया गया है। बिलासपुर से हमारे सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, न्यूज 18 ने भी इन खबरों को प्रमुखता के साथ दिखाया था, किस तरह जो सड़कें हैं वो अवैध होर्डिंग से पटी पड़ी हैं। बिलासपुर में हालांकि नगर निगम लगता है कि जागा है, इसीलिए ये एक्शन हुआ है। देखिए नगर निगम हाथ तब एक्शन लिया जब एक घटना निकलकर देश में सामने आया, और उसके बाद आप देखिए कि लगभग 300 से अधिक जो है वो अवैध होर्डिंग पाए गए। इसके अलावा जो वैध है वो 180 है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि 300 अवैध होर्डिंग यहां पर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जो कार्रवाई है वो नगर निगम लगातार कर रहा है। और तमाम जो एडवर्टाइजर्स के जो एजेंसियाँ हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई है कि क्या कुछ तय मापदंड होता है इसे लगाने के लिए, किस तरीके से इसे लगाया जाता है, कहाँ पर लगाना है, कितने बड़े होर्डिंग होने हैं, कितने नहीं छोटे होने हैं, इन तमाम विषयों को लेकर नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने बैठक ली। और बैठक के बाद
एक के बाद एक लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। लगभग 1,20,000 का जुर्माना अब तक कर दिया गया है। इसके साथ ही अभी भी जो निगम की कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अवैध होर्डिंग के खिलाफ लगातार निगम कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही ऐसे ग्रामीण इलाकों में भी अब चूंकि जो इसका दायरा है कार्रवाई का वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामीण इलाकों के भी कई ऐसे मकान हैं जो जर्जर मकान है, उस पर होर्डिंग बना दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक खतरा जो है वो हादसे का बना रहता है। यही वजह है कि नगर निगम एक अभियान के तहत लगातार होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और बढ़ते हैं आगे खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हुए बात रतलाम की कर लेते हैं, जहां की मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां कॉलेज की पार्किंग में एक गाड़ी मिली जिस गाड़ी के अंदर शराब छिपाकर रखी गई थी, भारी मात्रा में यहां पर शराब छिपाकर रखी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, मेडिकल कॉलेज, लेकिन वहां देखिए किस तरह से गाड़ी खड़ी थी जिस गाड़ी में शराब की पेटियां रखी हुई थी। तो मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के डी ब्लॉक की पार्किंग में एक टाटा नेक्सॉन गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें कि शराब होना संभावित है। उक्त सूचना पर हमने वहां पे तस्दीक और कार्रवाई की तो मालूम पड़ा कि एक टाटा नेक्सॉन गाड़ी जो कि लॉक थी उसमें लगभग 68 पेटी देसी और विदेशी शराब भरी हुई थी। इसमें 60 पेटी देसी सफ़ेद शराब है और 8 पेटी बियर है। लगभग 540 बल्क लीटर शराब है, ये 2,40,000 कीमती है। और ये जो गाड़ी है ये बसंती लाल पिता लक्ष्मी नारायण टांक निवासी सजावता की है। ये व्यक्ति को हमने कुछ दिन पहले ही शराब बेचने के केस में बंद किया था, तो ये इससे हमारे पुलिस वाले परिचित थे। उक्त गाड़ी की तस्दीक की जा रही थी तभी वहाँ पर जो आरोपी है प्रिंस पिता बसंती लाल टांक, जो कि बसंती लाल का लड़का है, ये भी मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ मिला था। इसको जब हमने हिरासत में लेके पूछताछ की तो इसने स्वीकार किया कि ये दारू जो है उसके घर पे रखी थी, जो उसने संभवतः डर के मारे गाड़ी में रख के और वहां पर मेडिकल कॉलेज की पार्किंग में खड़ी कर दी थी। वहीं जबलपुर में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के आरोपी को अनोखी शर्तों पर जमानत देने का मामला सामने आया है। कोर्ट ने आरोपी को 2 महीने तक हर शनिवार रविवार भोपाल जिला अस्पतालों में मरीजों की निःशुल्क सेवा करने की शर्त पर बेल दे दी। हाईकोर्ट ने आरोपी छात्र को 2 महीने की ये टेम्परेरी बेल दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि 2 महीने में आचरण में सुधार आया तो नियमित जमानत दे दी जाए। भोपाल की रहने वाली नाबालिग छात्रा ने पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज करवाई थी। भोपाल जिला अदालत से जमानत खारिज होने के बाद आरोपी छात्र ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। सर इसमें अपन ये थोड़ा सा अलग ऑर्डर है, जनरली ऐसे ऑर्डर होते नहीं है। ये एक अभिषेक शर्मा इसमें एप्लीकेंट था, ये एक्यूज था। इसके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसकी एज लगभग 17-17.5 साल होगी, उसने ये रिपोर्ट करी कि अभिषेक उसका पीछा करता था, परेशान करता था, उससे बोलता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करोगे मैं मर जाऊँगा। हाथ में टैटू वगैरह उसने बनवा लिया। सी लॉज दी FIR अगेंस्ट दी एप्लीकेंट की ये मुझे परेशान करता है। ये एप्लीकेशन हमने जब 439 की एप्लीकेशन है मूव की जमानत के लिए, तो कोर्ट ने इसको बहुत संदिग्ध से लिया। एप्लीकेंट के पेरेंट्स को यहाँ पर कॉल किया, उनको समझाइश दी। पहली बार कहावत आपने सुनी होगी, जले पर नमक मत छिड़को, लेकिन हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो जले पर नमक नहीं, जख्म पर मिर्च डालने की बात है। और सिर्फ बात नहीं, हकीकत है। MP के बालाघाट में आदिवासी मिर्च डालकर जख्म का इलाज करते हैं। आप इसे बेतुका कह लीजिए या कुछ और, लेकिन जनाब ये हकीकत है। यकीन नहीं है तो इस रिपोर्ट को देखिए। घाव पर मिर्च पाउडर, इलाज का अनोखा उपाय, इलाज कारगर या मजबूरी? जी हाँ, यह सवाल इसलिए क्योंकि आदिवासी महिला ने अपने पैर के जख्म को ठीक करने के लिए मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया। तस्वीरें बालाघाट के बैहर इलाके के सुकलदंड गांव की हैं। महिला आदिवासी है और उसके मुताबिक मिर्च पाउडर से जख्म का इलाज हो सकता है। सुनिए। कट गया था पा। हाँ। तो अभी क्या लगाया उसमें? उस मिर्ची। मिर्ची लगायो? हाँ। खाने का मिर्ची पीसे वाला। अच्छा, उससे क्या होगा फिर? वो मिट जाएगा, सुधर जाएगा।
कौन बताया ऐसा इलाज? डॉक्टर ने बताया मिर्ची भी डालना मात्रा में, इलाज भी करवाना बोले तो मैं मिर्ची भी डाली हूँ और इलाज भी करता हूँ, दो दिन हो गया है कल से, आज फिर जाती हूँ। अच्छा, तो पहले से ऐसी लगा तैयार हो गया, मतलब जो भी कटता फटता है तो वैसे दवा नहीं लगाते? दवा लगा रही थे वो मलम के पीछ 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 होता था, इसलिए वो मिर्ची को लगाया होता है कम हो गया। बुजुर्ग बसंती का कहना है कि घाव भरने लगा है और जल्द ठीक हो जाएगा। उनका दावा अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि बुजुर्ग ने किसी डॉक्टर से सलाह क्यों नहीं ली, वो भी सुन लीजिए। ऐसी इलाज करते हो आप लोग क्या? कैसे करेंगे अब वो नहीं, यहाँ डॉक्टर वॉक्टर नहीं आते सुधार ऐसी कुछ? हाँ, बाहर के डॉक्टर नहीं आते, ऐसे थोड़ा मोड़ा डॉक्टर लगाते हैं। अच्छा, बाहर जाते हो मतलब? हाँ। कहाँ जाते हो इलाज कराने? भरवेली जाते हैं, नहीं तो बालाघाट, नहीं तो बस। अच्छा, गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसे में इलाज के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। जाहिर है कई बार लोग सक्षम नहीं होते या आर्थिक रूप से कमजोर भी होते हैं, लिहाजा छोटी मोटी बीमारियों का इलाज खुद ही कर लेते हैं। लेकिन आदिवासी महिला ने जो इलाज किया वो खतरनाक भी हो सकता है, लिहाजा ऐसे घरेलू नुस्खे से बचने की जरूरत है। श्रीनिवास चौधरी, न्यूज 18, बालाघाट। जिंदा रहने के लिए खाना जितना जरूरी है उतना ही बाइक चलाने के दौरान हेलमेट पहनना, क्योंकि बाइक चलाने के दौरान एक गलती और परिवार में मातम छा जाता है। सड़क पर दुर्घटनाओं में खून की नदियां बह जाती हैं, इससे बचाने के लिए बिलासपुर पुलिस ने एक अभियान की शुरुआत की है, एक ऐसा अभियान जो बहुत अनोखा है जिसमें आप भी हिस्सेदार बन सकते हैं और कई लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। क्या है अभियान जिसकी हर कोई कर रहा है तारीफ, जो सड़क हादसों में होने वाली मौत पर लगाम लगाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। कोई तारीफ कर रहा है, ये बहुत ही पवित्र आंदोलन है, कोई सराह रहा है, तो ये पुलिस का अभियान बहुत सराहनीय है और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग जुड़े इस अभियान में। और तो और लोग ये भी मान रहे हैं कि दुर्घटना से बचने के लिए हेलमेट बहुत जरूरी है। क्या दुर्घटना से बचना है तो हमें हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनना ही होगा। ये तारीफ, ये सराहना बिलासपुर पुलिस के लिए की जा रही है क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है, और हो भी क्यों ना, उनके इस अभियान से हो सकता है सड़क पर खून की एक बूंदे भी नजर न आए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा अभियान है जिसके लिए लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो टेबल देखिए जहाँ कई हेलमेट रखे हैं, पुलिस वाले कुछ लोगों को हेलमेट भी बांट रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप लगभग समझ गए होंगे कि आखिर ये क्या चल रहा है, बाकी थोड़ा जो बचा है उसे हम समझाते हैं। दरअसल सड़क हादसे में हो रही लगातार मौत की गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर पुलिस ने प्रदेश में पहला हेलमेट बैंक अभियान की शुरुआत की है ताकि सड़क दुर्घटना में किसी की मौत न हो। इस अभियान के तहत अगर आप सड़क पर भूल से या फिर किसी वजह से सड़क पर अपनी बाइक के साथ निकले हैं और आपके पास हेलमेट नहीं है तो बिलासपुर पुलिस आपको 24 घंटे की हेलमेट मुहैया कराएगी। पहले देश में चंद्रभाटा, सकरी, कोनी और सरकंडा थाना में 50-50 हेलमेट बैंक में रखे गए हैं। ये हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रेरित करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक अभिनव पहल करते हुए चार थानों में उन्होंने हेलमेट बैंक की स्थापना की है। प्रत्येक थानों में हेलमेट पर्याप्त संख्या में रखवा दिए गए हैं। वहां पर जो भी व्यक्ति आवश्यकता, जिसको निकलना है, शहर में निकलना है या नेशनल हाईवेज में जाना है और उसके पास हेलमेट वगैरह नहीं है उस समय, वो जाके वहां से पुलिस की मदद ले सकता है। पुलिस के इस अनूठे पहल को आम जनता खूब पसंद कर रही है। इतना ही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस के इस अभियान से जुड़कर हेलमेट बैंक को डोनेट करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही पवित्र आंदोलन है, बहुत ही जनजागरण के लिए आंदोलन है। ऐसे आंदोलन की आवश्यकता सख्त है। जिस किसी ने यह कंसेप्ट लाया मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और इस तरह का अवेयरनेस ट्रैफिक पुलिस या पुलिस के जो भी अधिकारी द्वारा किया गया है, मैं खुद 10 हेलमेट बैंक को डोनेट करूँ। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो पुलिस की इस पहल की बढ़ चढ़ कर तारीफ कर रहे हैं। हमारे SP साहब बहुत बढ़िया अभियान चला रहे हैं जिसमें आज ये हेलमेट मैं वहाँ से निशुल्क में प्राप्त किया हूँ 24 घंटे के लिए। इसमें देखा तो ये अभियान में जो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग जो जाते हैं दुर्घटना घटती है तो दुर्घटना से बचने के लिए हमारे लिए ही ये अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल बिलासपुर में पिछले कुछ महीने से कई हादसे हुए,
पाँच माह के भीतर 506 एक्सीडेंट के मामले निकाल कर सामने आए हैं, जिसमें 135 लोगों की जान गई है और 480 लोग इस दर्दनाक सड़क हादसे में घायल हुए हैं। ज्यादातर मामले में बाइक सवार लोगों की इस हादसे में हेड इंजरी की वजह से हुई है। शायद ये लोग हेलमेट को उपयोग करते तो इनकी जान बच सकती थी। फिलहाल सड़क हादसे में बढ़ते मौत के मामले को रोकने के लिए अब सड़क पर खून की एक बूंद नहीं, बिलासपुर पुलिस का ये प्रयास सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में मील का पत्थर साबित होगा। बिलासपुर से उमेश मौर्य की रिपोर्ट, न्यूज 18।